जैसी जैसी कोई नहीं। पूरब, पूरब, क्या तुमने कभी भी मुझे अपने प्यार के लायक समझा है? नहीं पूरब, तुम जैसा को ना समझा नहीं जा सकता है पूरब। जैसी, क्या तुमने कभी ये एक बार सोचा है कि तुम्हें बहकाया गया है? वो तुम्हारे जो अरमान सर है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ बेबी। गलती मेरी थी, ना मैं वो चिट्ठी को छिपाता और ना ये सब कुछ होता। लो बस भी कर, सुलह हो जाएगी दोनों में। बस जस्सी को थोड़ी पहल करनी पड़ेगी। तेरी गलती और तू वहाँ क्या कर रही है? आ ना, चलो चलो चलो, आवे जल्दी करो, केक काटने का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरमान साहब आए? वो तो चले गए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब अंकल, उन्होंने कहा उन्हें कुछ काम था तो वो चले गए, लेकिन केक तो फिर भी काट सकते ना। हाँ हाँ, जैसी चल चल बेटा, आ जा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कर 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 एक तू कैसे तू बुझा? अरमान सूरी का ये जस्सी जैसी कोई नहीं कलेक्शन घर घर में बातचीत का मुद्दा बन गया है। अरमान सूरी का जस्सी जैसी कोई नहीं कलेक्शन, तो अरमान और जस्सी का नाम नेशनल नेटवर्क में भी एक साथ आ जाएगा। वाओ, अरमान, पार्टी जल्दी खत्म हो गई या फिर तुम जस्सी से बोल रहे? बेचारा अरमान सिंह, क्या दिन आ गया, अब उसे अपनी कामयाबी के लिए जस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। धोखे और झूठ का सहारा लेने से तो अच्छा है ना मेरा। मैं आर्यन से तो एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन तुमसे कभी। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, कितनी भोली हो तुम, तुम्हें तो कुछ भी याद। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, स्टोर के लिए तुम्हें एक प्रॉपर्टी चाहिए, गुलमोर की प्रोग्रेस, गुलमोर की एक्सपेंशन की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और तुम्हें बहुत गुस्सा आया था जब वो प्रॉपर्टी किसी और ने ले ली। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे को, जानते हुए भी कि वो प्रॉपर्टी किसने खरीदी? पागल हो गए तुम अरमान, मुझे कैसे पता, मैं तो कुछ नहीं जानती। देखिए मैं जानता हूं, और अगर तुम सच कह रही हो ना मलिका, तो मुझे तुम पर दया, जाकर अपने भाई से पूछो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। आर्यन? हाँ, आर्यन सेठ, उसी ने फेक कंपनी के नाम ये जमीन खरीदी। लड़का, जब घर में आर्यन जैसा भाई मौजूद हो तो दुश्मनों को क्या? अरमान, अरमान मेरी बात सुनो। हेलो, जस्सी, चलो डांस करते हैं। एक मिनट, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। देखा, फोन अभी तो बाद में करना, अभी चल। मैं ठीक।
अरे मेरी प्यारी बहना, सब ठीक तो है? क्यों इतनी गुमसुम लग रही? अरमान को भी बड़े गुस्से में जाते दिखा ना। सब ठीक तो है? तुम्हारे होते हुए मेरी जिंदगी में सब ठीक कैसे हो सकता है आर्यन? इतनी नाराजगी मुझसे? मगर क्यों? क्यों? अब भी क्यों पूछने की जरूरत है आर्यन? इतने इनसेंसिटिव हो गए हो तुम कि अपनी ही बहन को झूठ बोलकर उसे चोट पहुंचाकर अब तुम क्यों पूछ रहे हो? बता मुझे हुआ क्या? हुआ ये आर्यन कि स्टोर वाली प्रॉपर्टी तुमने खरीद ली है, ये जानने के बावजूद भी कि उस प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड थी। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे झूठ कहकर एक झूठी कंपनी खोलकर इससे पहले कि वो प्रॉपर्टी मैं खरीदूं तुमने खरीदी। ऐसा कैसे किया तुमने आर्य? अलका मैं असल में कुछ नहीं सुनना चाहती तुम्हारी झूठ, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं सुनना मुझे। क्यों तो सबसे यही कहते रहते ना बहुत प्यार करते हो? बिल्कुल सही है। सच नहीं यार, क्योंकि तुम जो भी कहते हो करते हो वो सिर्फ एक इंसान के लिए, अरमान। क्योंकि नफरत करने को खुश नहीं देख सकती, और ऐसा करने में तुम्हें चाहे अपनी बहन को जितनी भी चोट पहुंचानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। मैं तुम्हें इस डील के बारे में बताने वाला हूं। नहीं आर्यन, तुम नहीं बताने वाले। जानते थे मेरा सपना, तुमने मेरा सपना ही मुझसे छीन लिया आर्यन। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अलका मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो आ गया सही मौका, जाओ मनाओ खुशियां। लेकिन अकेले, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी किसी भी खुशी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अलका कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में, के लिए बहुत गहना सुनना हो गया। अब तो मेरा फोन तोड़ तुम्हें शायद यही लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद नहीं, अब तुम्हें कोई भी नहीं। मेरा कुंभ इंडस्ट्रीज का एक साल का टर्न ओवर 400 करोड़। तुम्हें लगता है कि 10 करोड़ की कंपनी को मोहन के लिए मैं उस इंसान को खो दूंगा जिसकी वजह से मैंने जीने का अंदाज और जिंदगी का मतलब सीखा है? जैसी तेरी सहेलियों ने कितना सोना दुपट्टा दिया है। अरे वाह, अरे ये घड़ी किसने दी है? बहुत सुंदर है। अरमान सर ने? अरमान सर ने? बहुत ही सुंदर है बेटा, ये देखो ना बेबी। लेकिन अभी इसमें बैटरी नहीं है। वक्त रुक गया था। बेटा पहचाना जी? रानी विक्टोरिया। जब तू 6 साल की थी तब तूने इसे बनाया था और तूने कहा था पापा जी मैं बड़े होकर क्वीन विक्टोरिया बनूंगी। बेटा इसीलिए तुझे दुखी नहीं देख सकता मैं। तेरा मुरझाया चेहरा मेरे पे देखा नहीं जाता था बेटा। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब पूरब की वजह से हो रहा है, इसीलिए मैंने वो चिट्ठी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था बेटा। बेटा पैसा तो बहुत से लोगों पर होता है,
लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अलावा शायद अकेला पूरब है जो तुझे अच्छी तरीके से पहचानता है, सच्चे दिल से पहचानता है। वो दुनिया की नजरों से तुझे नहीं देखता बेटा, सच्चे दिल से देखता है। मेरी गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर। पापा जी प्लीज, गलती मुझसे एक बार नहीं कई बार हुई है, शायद मुझे इंसान को पहचानना ही नहीं आता। लेकिन बेटे हमें वो चीज आती है जो बहुत से लोगों को नहीं आती, हमें सच्चे दिल से लोगों को खुशी देना आता है। अपनी गलतियां सुधारूंगी मैं। आपकी क्वीन विक्टोरिया हूं ना। हेलो बेटा, मॉर्निंग खत्म होने वाली है लेकिन लगता है तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी तक हुई नहीं है। हाय माँ, वो क्या है ना कि कल रात को, मैं सब जानती हूँ कल रात को शो था, तुम लेट घर आए हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आज ऑफिस नहीं है, इसलिए तुम्हें 2 घंटे दिए जाते हैं और उसके बाद हम सब साथ मिलकर लंच करेंगे। अरे नहीं माँ, मैं वो, अरे नहीं का मतलब क्या? हाँ तुमसे पूछ कौन रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें हम सबके साथ लंच करना है। अरमान, तुम्हें कनाडा के बारे में कितनी बातें बतानी है, तुम सबको बतानी है, मेरा मतलब है तुम्हें, मलिका को, आर्यन को। एंड दैट्स एन ऑनर माय डियर। क्या कहा? आर्यन भी है? हाँ, क्यों? हाँ? कुछ नहीं, मैं जरूर आऊंगा मैम। आर्यन सेठ को फैमिली रियूनियन में शामिल होने का शौक है। वैसे भी फैमिली में सबको एक दूसरे की असलियत तो जरूर बताना है। जरूर ऐसी रियूनियन होगी कि तुम कभी नहीं। या तो ये घर पे होती नहीं, आज छुट्टी है तो सोए जा रही है। अच्छा बेटा, नंदू कब से आया हुआ है? अब तुझे कुछ कहना जरूरी है? हाँ, पूरा बुरा आदमी नहीं है। पता, हम सब पूरब को गलत समझ रहे थे। पता, हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। नंदू मुझे पता है, तुझे सभी पता है, तेरे को आर्यन के बारे में पता होगा। आर्यन? आर्यन के बारे में क्या? तुझे आर्यन के बारे में नहीं पता? तूने फाइल नहीं पढ़ी? कौन सी फाइल? ये फाइल जो पूरब ने तेरे बर्थडे पे दी। क्या है इस फाइल में? पढ़ के तो देख, तब तुझे पता चलेगा कि पूरब ने कुछ नहीं किया, असली चोर तो आर्यन है। जस्सी, तुम्हारे शो ने तहलका मचा दिया। तहलका यहाँ पर ही नहीं डैड, हर जगह मचा हुआ है। क्यों मेरे का? अरमान रहने भी दो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। क्या पहेलियों में बात कर रहे हो, किसका इंतजार? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह
हाय आंटी। हेलो आर्यन, कितना अच्छा लग रहा है आज हम इतने दिनों बाद फिर से सब एक साथ है। आओ ना बैठो। आओ बेटा। अच्छी तरह से खुश हो लो मॉम, क्योंकि बाद में ये मौका मिले ना मिले। मौका आए ना आए ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो तुम अरमान? अभी तो हम सबको मिलजुल कर ढेर सारी खुशियां मनानी है। किस बात की खुशी मनानी है? मलिका का प्रोजेक्ट फ्लॉप होने की या फिर गुलमोहर का बर्बाद होने की? तो तुम क्या कह रहे हो बेटा, साफ साफ बताओ। अंकल जाने दीजिए ना, आप तो इन दोनों को जानते ही हैं, हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। मलिका, तो अपने भाई को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? जिसने तो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था ना, जब अपने नाम इसने उस स्टोर की प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये क्या कह रहे हो बेटा, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं अंकल, अरमान खामखा छोटी सी बात का बड़ा इशू बना रहा है। मैं इशू बना रहा हूँ? एस वेंचर्स के नाम तुमने उस स्टोर की प्रॉपर्टी खरीदी थी कि नहीं खरीदी? मना किया मैंने। ये जानते हो भी कि मलिका को उस प्रॉपर्टी की जरूरत कुलमोर का स्टोर खरीदने के लिए थी? बिल्कुल, ये जानते हुए भी, इनफैक्ट इसीलिए खरीदी मैंने। देखा मलिका, मैंने कहा था ना तुम्हारे भाई को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आर्यन तुम ना रिलैक्स मलिका, रिलैक्स, मुझे बात तो करने दो। मैं मानता हूं कि प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पर खरीदी है, मगर अपने लिए नहीं। वो प्रॉपर्टी इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। आर्यन, और कितने झूठ बोलोगे? तुम कुछ भी समझ लो अरमान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला मेरी और मेरी बहन के बीच का है। हाँ मलिका, ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारी शादी पर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए खरीदी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टोर तुम्हारा सपना है, और मैं ये भी जानता हूं कि अरमान ये सपना कभी पूरा नहीं होने देगा, मगर मैं अपनी बहन का सपना टूटते हुए नहीं देख सकता। अपना नाटक बंद करो यार, गुलमोहर का एक्सपेंशन प्लान खराब करके तुम मलिका के सपनों की बात कर रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? गुलमोहर मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है यार, है ना? मैं तो सिर्फ मलिका की खुशी चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं आज इसी वजह से आया था, इनकी शादी की तारीख पक्की करने। अपनी प्यारी बहना के लिए थोड़ी बहुत बातें सुन भी ली तो इसमें क्या है? अंकल आंटी, मैं सोच रहा था कि इन दोनों की शादी क्यों ना हम मलिका के बर्थडे वाले दिन पे करें। मेरा बर्थडे, व्हाट अ गुड आइडिया, डबल सेलिब्रेशन है ना अरमान? जी, मैंने इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं। तो सोच लो बेटा, शादी तुम्हें करनी है हमें नहीं, क्यों मलिका? लड़की का भाई होने के हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि लड़के से मैं ही बात करूं। सबकी मर्जी है कि शादी की तारीख मलिका के बर्थडे वाले दिन पे तय हो। आप बताइए दूल्हे राजा, तारीख पक्की कर दे। कोई नहीं।